अपने बहुत स्पेशल डे के लिए, मतलब अपने मैरिज सेरेमनी के लिए लड़कियां पता नहीं क्या क्या करती हैं। बहुत सारे प्लानिंग्स होते हैं और उन प्लानिंग्स में एक होता है कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है और क्या लगाना है। लेकिन मैं यहाँ एक बात तो क्लियर कर दूँ कि आप कुछ भी लगाएं और कुछ भी कर लें, जो आप खा रहे हैं उसका इफ़ेक्ट जो आपके स्किन पर दिखेगा वो कुछ भी लगाने से नहीं दिखेगा। तो आज मैं एक ऐसा सैलड लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जो कि आपके वेडिंग के लिए और आपके वेडिंग के दिन के लिए ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड आपको करके ही रहेगा। तो होना एक्साइटेड, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को शुरू करूंगी, तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। यहाँ आपको लेना है सबसे पहले एक बाउल में पोमीग्रेनेट मीन्स अनार। पोमीग्रेनेट में एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो कि आपके सन स्पॉट्स को लेकर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को सही करता है। इससे जो हमारी स्किन है वो सांस ले पाती है, मतलब कि आपकी स्किन को भी रेस्ट मिलती है। शादी के दौड़ भाग में जो सन डैमेज हो जाती है, रिंकल्स, फाइन लाइंस हो जाती है, उन सबको ये सही करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मेरे पास कीवी फ्रूट। जी हाँ, यहाँ आप कीवी फ्रूट बिल्कुल लेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होता है, जो कि वेडिंग के दिन तक आपको एक रेडिएंट लुक और ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, डैमेज है, तो ये एक मॉइस्चराइज़र के भी तरह काम करेगा, एक्ट करेगा, जिससे कि आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, जिससे आपको एक नॉर्मल स्किन मिलेगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ एक बनाना लिया है, उसे भी मैंने कट कर लिया है और इसे भी मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने कीवी भी एक ही कीवी लिया है और पोमीग्रेनेट भी एक ही लिया है। बस इस सैलेड में इतना आपको याद रखना है कि कोई भी सीजनल फ्रूट आप ज़रूर इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ ऑरेंज फ्रूट ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं यहाँ सॉल्ट ऐड कर दूंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर ऐड करना, सॉल्ट नहीं लगे तो आप इसे दही में मिक्स करके भी खा सकते हो और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। आपको इसे रोज़ इनटेक करना है, जब से आपकी वेडिंग की डेट शुरू हुई तब से बस आप इसमें लग जाइए, देखिएगा इंशाल्लाह आपका जो स्किन है वो कितना रेडिएंट लगेगा और आप अपने शादी के दिन बहुत ही खिली खिली लगेंगी। इसे आप चाहें तो ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद, मतलब अब अगर आपने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो आप 10 या 11 बजे तक इनटेक कर सकते हैं एक बाउल फ्रूट, या फिर आप बिल्कुल सुबह उठते के साथ ही खाली पेट में भी इसे इनटेक कर सकते हैं।